आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। डीआरएम नागपुर एससीसीआर मिस्टर उपल शनिवार 10 सितंबर को रात में अचानक सिवनी पहुंचे। उनके सिवनी पहुंचने की खबर किसी को भी नहीं थी, मीडिया कर्मियों को बाद में इसकी खबर लगी। ये उनकी डीआरएम स्पेशल यहां दिख रही है। उनका दौरा संभवतः इतना गोपनीय रखा गया था कि सिवनी में किसी को खबर नहीं दी गई, यहां तक कि सांसद और विधायक कि कोई भी मौके पर मौजूद नहीं रहा। जैसे ही मीडिया कर्मियों को इस बात की खबर लगी, वे मौके पर पहुंचे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत प्रयास किया गया कि डीआरएम कुछ बात कर पाएं, किंतु डीआरएम के द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से, चूंकि उन्हें बहुत विलंब हो रहा था, उन्हें जाना था, चर्चा नहीं हो पाई डीआरएम से। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देख सकते हैं आप, डीआरएम स्पेशल रेलगाड़ी थ्रू लाइन पर खड़ी हुई है, ना ही इस किनारे वाले प्लेटफॉर्म पर, ना ही उस किनारे वाले प्लेटफॉर्म पर। थ्रू लाइन पर क्यों खड़ी की गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। प्लेटफॉर्म पर अगर उनकी गाड़ी खड़ी होती, आपने शुरुआत में देखा किस तरह वे सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा रहे थे। यहाँ रात में उनके द्वारा क्या निरीक्षण किया गया, ये भी बहुत ये माना जा सकता है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदन क्या देते हैं, इसके बाद ही पता लग पाएगा। डीआरएम स्पेशल यहां खड़ी हुई दिख रही है। इस दौरान समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा उनसे बातचीत के जो प्रयास किए गए, उसमें उनके सीआई जो नागपुर से आए थे, उनके साथ जो चर्चा हुई, उस चर्चा को हम आपको सुनाते हैं क्या बात हुई। हाँ, लॉन्ग विसिल दीजिए भैया, लॉन्ग विसिल दीजिए। यही नीचे तो एक बार पूछ ले उनसे, अगर वो कहना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बार प्लीज इसके उपरांत जब वे वहां गए और उनके द्वारा डीआरएम से इस बारे में चर्चा की गई, तो डीआरएम चूंकि सुबह से निकले हुए थे नागपुर से, छिंदवाड़ा के रास्ते वे रात को सिवनी पहुंचे और उन्हें वापस संभवतः छिंदवाड़ा जाकर, संभवतः छिंदवाड़ा से वे नागपुर पहुंचने वाले थे, इसलिए उन्हें विलम्ब हो रहा था, इसलिए उनके द्वारा समय नहीं दिया गया चर्चा के लिए। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह की यहाँ पर रेलगाड़ी आपको दिख रही है, डीआरएम स्पेशल, इसके द्वारा क्या निरीक्षण किया गया, सिवनी में कब से रेल चल पाएगी, यहाँ निरीक्षण में उनके द्वारा खामियां उन्हें मिली अथवा नहीं मिली, इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। और ये देखिए, यहाँ पर एक बार हम आपको ये दिखा रहे हैं, डीआरएम सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, जबकि प्लेटफॉर्म पर अगर रेलगाड़ी खड़ी होती तो इस सीढ़ी को लगाने की शायद जरूरत नहीं पड़ती। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देख सकते हैं, एक के बाद एक अधिकारी ऊपर चढ़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। सीढ़ी यहाँ बीच में, बीच के जो दो पटरियों के बीच में जो गैप होता है, अर्थात अप डाउन पटरी या दो अलग अलग पटरियों के बीच में जो गैप होता है, उसमें भी चलने के लिए एक छोटा पुल, अस्थाई पुल सीढ़ी के जरिए बनाया गया था, और उसी सीढ़ी के जरिए फिर डीआरएम नागपुर अपनी रेलगाड़ी में बैठ कर गया। आइए हम सुनाते हैं कुछ मीडिया कर्मियों से जो चर्चा हुई, उनका क्या कहना था। काम के लिए अदरवाइज आते नहीं।
समथिंग कितना टाइम लगेगा सर मान लें कि ट्रेन को चालू एग्जैक्टली कौन से दिन को चालू होगी, बट कोई लगता नहीं कि बहुत दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेट अस होप दैट वी आर एबल टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, जब पॉसिबल होगा वो हम ठीक है। DRM नागपुर से चर्चा के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट साउंड नहीं था और किस तरह से देखिए सीढ़ियाँ निकाली जा रही हैं, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। कब से रेलगाड़ी चल पाएगी इस बारे में भी कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आ पाई है। और ये एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, DRM से चर्चा के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया और उनसे जब संपर्क करने का प्रयास किया गया उनके उसको बताया गया, उनके जो अधिकारी थे उन्हें बताया गया और उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो क्या बात उनसे हुई ये आपके सामने हमने आपको बताया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन वीडियो मौसम के अपडेट पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।